ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। स्टूडेंट्स सब अपना माइक ऑफ रखो और जब नाम बुलाऊं तब ऑन करके सिर्फ प्रेजेंट सर बोलना, ओके? यस सर। अमित, प्रिया, स्वामी, श्याम यादव, विश्वर, मोहिनी प्रसाद, प्रेजेंट सर। शी इज आवर न्यू स्टूडेंट। ये कौन है? अरे यार, इस ऑनलाइन लेक्चर की वजह से अब क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। क्या न्यू स्टूडेंट आई है और देख भी नहीं पा रहा हूँ मैं। शिट यार। बच्चों, मैं आपको दो के टीम में डिवाइड करूंगा और आपको प्रोजेक्ट साथ में मिलकर करना होगा। अरे वाह भगवान, पूरे लॉकडाउन में कुछ नहीं मांगा, अब ये तो दिला दो। अमित, राहुल, संजना एंड सुप्रिया, श्याम एंड मोहिनी। अरे वाह, ये हुई ना बात, अब सब मैं संभाल लूंगा भगवान जी, थैंक यू। हेलो, कौन बोल रहा है? मोहिनी। हाँ मोहिनी, मैं श्याम। सॉरी कौन? अरे मोहिनी, मैं श्याम, तुम्हारा प्रोजेक्ट का पार्टनर, हम साथ में हैं। अरे हाँ, श्याम सिंह, सॉरी। इट्स टोटली फाइन। क्या हम कल उस धीरज बिल्डिंग के यहाँ मिले, वहाँ प्रोजेक्ट डिस्कस कर लेंगे? ठीक है, लेकिन सिर्फ 7 से 8 मिलेंगे, मुझे घर जल्दी जाना होगा। नो प्रॉब्लम, डन। अच्छा तुम? श्याम, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कितनी सरल लड़की है, अगर इसे मैं पसंद आ गया तो फिर मेरी जिंदगी ही सफल हो जाएगी। मोहिनी, हंस लो, प्रोजेक्ट साथ ही करना है, तब देखता हूँ तुम्हें। किडनैप करोगे? नहीं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। कैसी लड़की हो? अरे मैं भी तो मजाक कर रही थी। तो फिर हम मेरे घर जाके प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करें? अभी? नहीं, अभी तो मुझे घर जाकर बहुत काम करना है। मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है, उन्हें शायद पिताजी गांव लेके जाएंगे, गांव के अस्पताल में। अच्छा, ध्यान रखना आंटी का, मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा। मैं कितने बजे आऊं फिर? रात को खाना खाकर 8 बजे के बाद कभी भी। ओह, शायद मोहिनी भी मुझे पसंद करती है। हीरो किधर गायब? नहीं, कुछ नहीं, मैं आता हूँ आज रात को, हम डिस्कस कर लेंगे। लो आ गया, लगता है घर में ही है वो। मोहिनी, आई एम कमिंग इन। मोहिनी किधर हो? ये क्या है? मोहिनी किधर हो? मोहिनी, thank you.
मोहिनी। ये व्हीलचेयर, इस पर कोई तो था मोहिनी, एक औरत थी। तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ सच्ची, मैंने देखा उस औरत को, वो यही थी, उसने मेरा पीछा भी किया। शाम, घर लॉक था और तुम बोल रहे हो यहाँ कोई था। मुझे डरा रहे हो ना? सुनो शाम के बच्चे, मैं नहीं डरती तुम्हारी इन बातों से। मैं सच कह रहा हूँ मोहिनी। हाँ ठीक है, रहने दो, अब मुझे आदत सी हो गई है इस जगह की। तो अब बताओ, तुम नॉनवेज खाते हो या नहीं? हाँ खाता हूँ। तो तुम्हें मेरे हाथों का नॉनवेज जरूर खाना होगा। अरे यार, ये क्या हो रहा है, एक ही दिन में आज ही तो मिले, मोहिनी तो मुझसे भी फास्ट निकली। अरे बाप रे, 20 मिस कॉल्स। हाँ मोहिनी, क्या हुआ? श्याम, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। नहीं, सोया हुआ था, पता नहीं कैसे घर पहुंचा, याद नहीं आ रहा कुछ। जल्दी फ्रेश हो जाओ, हमें प्रोजेक्ट करने के लिए मिलना है ना। हाँ हाँ सॉरी, मैं भूल ही गया था, तुम कहाँ हो? तुम्हारे घर के बाहर। क्या? क्या नहीं, तुम दरवाजा खोलो जल्दी, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। तुमने नॉक क्यों नहीं किया? बस यूं ही, सोचा तुम्हें सरप्राइज दे रही हूं तो अच्छे से दूं। पता नहीं क्यों, पर मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है मोहिनी। क्या हुआ? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नाश्ते में क्या खाओगे बताओ, फिर देखते रहना इस चेहरे को। मोहिनी और श्याम प्रोजेक्ट की बातों में मगन हो जाते हैं। श्याम को मोहिनी की आंखें, कान, होंठ, सभी चीजों से अब प्यार होने लगा था। मोहिनी उस पर मानो हावी होती जा रही थी। चलो मैं आती हूँ, अंधेरा होने से पहले मुझे जाना होगा। अरे अकेले इतनी रात को कैसे जाओगी, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। मुझे ऐसा लग रहा है हमारा कोई पीछा कर रहा है। मुझे भी कल ऐसा ही लगा था। ये अंधेरा हमारी सोच को कुछ ऐसे बदल देता है कि हमें चीजें महसूस होने लगती हैं। साइकोलॉजी में मैम ने यही सिखाया था। श्याम, कोई सच्ची हमारे पीछे आ रहा है। मोहिनी चलो यहाँ से, जल्दी चलो, भागो यहाँ से। मोहिनी, 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 तुम कहाँ हो? ये तो मोहिनी का बैग है, ये तो वही औरत है, पर वो कर क्या रही है? और मोहिनी कहाँ है? श्याम, मोहिनी तुम यहाँ? मैंने बोला था ना तुम्हें, वो औरत, वो देखो। क्या हुआ मोहिनी, चलो हम उसे मारते हैं, चलो। श्याम मैं नहीं आ सकती। मोहिनी रो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मेरे घर चलो, यहाँ रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं आ सकती।
क्यों लेकिन? क्योंकि वो मेरी माँ है। ये तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है मोहिनी, और तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? मोहिनी, टेल मी, तुम मुझे बता सकती हो? माँ, कहाँ हो? श्याम, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, लेकिन हमें पहले माँ को ढूंढना होगा। मोहिनी, क्या तुम बता सकती हो क्या हो रहा है ये? शाम, एक साल पहले सब कुछ ठीक था। माँ, बाबूजी और मैं खुशी खुशी रहते थे। एक दिन माँ मार्केट गई चिकन लाने। मैं स्कूल में थी और बाबूजी काम पर थे। उस दिन मैं दोपहर को खाना खाने नहीं आ पाई और माँ ने उस दोपहर अकेले ही खाना खा लिया। जब बाबूजी और मैं घर आए तब हमने देखा कि माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। डॉक्टर के पास लेकर जाने पर पता चला कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। अगले दिन अखबार में मैंने पढ़ा कि जिस दुकान से माँ ने चिकन लिया उस दुकान में चिकन के नाम पर इंसान का मांस बेचा जा रहा था। तब से हमने माँ को घर में ही रखा। उन्हें घर का खाना पसंद ही नहीं आता था। फिर कुछ ऐसी चीजें होने लगी जो बहुत अजीब थी। एक दिन घर में माँ के हाथों में चूहा दिखा। वो पहला दिन था जब माँ खुशी से कुछ खा रही थी। मुझे उनकी हालत पर दया आ रही थी। खुद की माँ को ऐसे कौन दे सकता है। हमने उन्हें घर में ही बंद करना शुरू कर दिया। और एक दिन जब सुबह मेरी आँख खुली तो माँ घर पर नहीं थी। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली। घर आकर पता चला कि हमारे पड़ोसियों का बच्चा भी गुम गया था। पिताजी ने घर एक खत लिखा हुआ था। मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकता मोहिनी, और तुम भी घर छोड़कर भाग जाओ। एक ही दिन अपने माँ और बाबूजी दोनों को खो दिया था मैंने। एक एक करके यहाँ के सारे गांव वाले घर छोड़कर चले गए। रही मैं अकेली। मोहिनी, तुम अब अकेली नहीं हो। कोई न कोई हल निकाल लेंगे हम। मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्या करोगे? हमने सारे तरीके अपना कर देख लिए हैं। तुम चले जाओ, मैं ढूंढ लूंगी उन्हें। तुम्हारा कुछ नहीं रखा यहाँ पे, और हम अब कभी नहीं मिलेंगे। चले जाओ। सॉरी, मेरे वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। ऐसी बात नहीं है, तुम खुद को अकेली मत समझो। हम उन्हें ढूंढते हैं। तुम मुझे बताओ, जब वो पहली बार खो गई थी तो कहाँ थी वो? वो बहुत खतरनाक जगह है। हम वहाँ नहीं जा सकते, और माँ वहाँ नहीं होगी। फिर भी एक बार जाकर देखते हैं, सब ठीक हो जाएगा। मोहिनी, चलो मेरे साथ। क्यों मोहिनी, क्या हुआ? रुको, मैं आता हूँ वहाँ। ए,
तुम अभी के अभी चलो यहाँ से। मोहिनी तुम्हारे पीछे। मोहिनी रुको, वो तुम्हारी माँ नहीं है। वो मेरी माँ है और यही मेरा गांव है। मोहिनी ये तुम क्या कर रही हो? मोहिनी 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 वो मेरी माँ है। कर रहा है, सोने भी नहीं देते यार। हेलो, कौन 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 बोल रहा है? मैं रघु काका बोल रहा हूँ बेटा। हेलो कौन? जल्दी से घर आ जा। क्या हुआ काका? क्या बात है? इतने रात को फोन किया? सब कुछ तो ठीक है ना? तेरे पापा का देहांत हो गया है, जल्दी घर आ जा। क्या? कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए राकेश ने गांव जाने की तैयारी की और अपनी कार से निकल पड़ा। राकेश के पिता प्रताप सिंह, जो कि गांव के सरपंच थे, मां के गुजर जाने के बाद राकेश की परवरिश उसके पिता ने ही की। कुछ ही साल पहले राकेश गांव छोड़ के शहर आया था। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। रघु काका, ये कैसे हुआ? अचानक वो ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? संभालो बेटा, खुद को संभालो। दरअसल तुम्हारे पापा की मौत गांव के पास वाले जंगल में एक पेड़ के नीचे कुछ लोगों को दिखाई दी। उनके शरीर पर बड़े धारदार हथियार से वार किया गया था। धारदार हथियार? लेकिन पापा को कौन मार सकता है? उनका सीना चीर के कोई उनका दिल काट के ले गया। पुलिस वैसे छानबीन कर रही है। कौन हो सकता है जो इतने क्रूरता से किसी को मार सकता है? वो तो पता नहीं बेटा, रात होने वाली है। गांव वाले सब घर चले जाते हैं। रघु अकेला वहां रुकता है और थोड़ी देर बाद वहां उसे एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखता है। वो वहां अकेला ही अपने आप से बड़बड़ा रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। मरेंगे सब, मरेंगे जो जो थे वो सब मरेंगे। क्यों बाबा, इतनी रात गए डर नहीं लगता आपको? यहां अकेले बैठे हो? नहीं, तुम वही हो ना सरपंच के बेटे।
हाँ, मैं प्रताप सिंह का बेटा राकेश हूँ। इस गांव में गए 2 महीने से कुछ लोगों की ऐसी ही मृत्यु हो रही है, और वो सब तुम्हारे पापा के करीबी लोग थे। चलो अब जाओ घर, तुम्हारा ज्यादा देर यहां रुकना सही नहीं होगा, रात भी काफी हो गई है। राकेश डर जाता है और शमशान घाट से राकेश अकेले गांव की तरफ अपने घर जाने के लिए निकलता है। रास्ते में कुछ देर बाद चलते हुए राकेश को जोर से चिल्लाने की आवाजें आती है। राकेश इधर उधर देखने लगता है, उसे पास ही में एक पेड़ हिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़ते हुए वो उस पेड़ की करीब आता है, उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसके शर्ट पर ऊपर से खून टपकता है। राकेश को पैर में ठोकर लगती है और वो जमीन पे गिर पड़ता है। कोमल, हमारे इस रिश्ते को अब लगभग 4 साल होने आए हैं। हाँ राकेश, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि हम कल ही मिले थे। आई लव यू सो मच राकेश, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। आई लव यू टू कोमल। पर कोमल, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। हाँ राकेश बोलो। कोमल, मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, पर एक्चुअली कोमल, कुछ ही दिनों में मुझे शहर जाना होगा। मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है वहां। मैं 1 महीने से ट्राई कर रहा था, आखिर मुझे जॉब मिल ही गई। पर राकेश, ये सब अचानक? मैं तो, क्या तुम सच्ची जाना चाहते हो? हाँ कोमल, आज तुम्हें तो पता है, मैंने बताया था मैं शहर में नौकरी करना चाहता हूँ। आज से 3 या 4 दिन में मेरा टिकट आ जाएगा और मुझे निकलना पड़ेगा। अब तुमने सब तय कर ही दिया है तो मैं क्या बोलूँ, वैसे भी तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। आई लव यू राकेश, वहां जाके मुझे भूल मत जाना। नहीं कोमल, मैं तुम्हें ऐसे कैसे भूल सकता हूँ, हमने कितने पल एक साथ गुजारे हैं। इस तरह से राकेश कोमल से अलग होता है और शहर में नौकरी करने चला जाता है। और यहां कोमल को हर दिन राकेश की याद आती थी, पर दोनों की बातचीत एकदम से बंद हो जाती है। कोमल राकेश की याद में ना खाना खाती थी, ना ठीक से सो पाती थी। आखिर एक दिन कोमल सोच लेती है कि उसके घर जाके राकेश के पिताजी से बात करे। शायद राकेश के पिताजी, जो कि गांव के सरपंच थे, उसकी कुछ मदद करें और एक बार कोमल की राकेश से बात हो जाए। सरपंच जी, मैं कोमल। मैं राकेश से बहुत प्यार करती हूँ, पर बहुत दिनों से राकेश से कोई बात नहीं हुई। क्या आपके उससे बात होती है? कृपया करके बस एक बार
मेरी राकेश से बात करा दीजिए। आज तो उसका फोन आके गया, तुमने आने को देर कर दी। तुम इतनी रात को अकेली आई हो? आओ तुम्हें पानी पिलाता हूँ, अंदर आ जाओ। नहीं नहीं सरपंच जी, मैं कल आ जाऊंगी। बस राकेश को बताना मैं आज आई थी, बस एक बार मेरी उससे बात करा दीजिए। हाँ बेटा बिल्कुल, तुम चाहो तो अभी यहाँ रुक सकती हो, आ जाओ। नहीं सरपंच जी, मैं चलती हूँ, कल आ जाऊंगी। सरपंच जी जल्दी आइए, आनंद की लाश मिली है जंगल के एक पेड़ के नीचे, जल्दी आ जाओ। आनंद सरपंच जी का बचपन का दोस्त था। अचानक अपने दोस्त की मौत की खबर सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो फूट फूट कर रोने लगे। सरपंच खुद को संभाल कर गाड़ी लेकर निकलते हैं और शमशान घाट पहुंचते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब लाश को चिता पर रखा जाता है तब वो लाश को देखकर हैरान हो जाते हैं। किसी ने बड़े ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी और उनका दिल शरीर में नहीं था, पूरा शरीर किसी ने बुरी तरीके से नोचा हुआ था। आखिर क्या हुआ था किसी को पता नहीं। चिता को आग देने के बाद सब लोग वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सरपंच जी भी निकलते हैं, थोड़ी देर बाद सरपंच जी भी निकलते हैं। उसी शमशान के पास उन्हें एक बूढ़ा आदमी कुछ बड़बड़ाते हुए सुनाई देता है। जमी के पाप छुपाने को गगन होता है, मन का पाप छुपाने को बदन होता है। शायद मर कर भी पाप छुपाते हैं लोग, इसलिए हर लाश पर बदले का कफन होता है। उस आदमी की अजीब बातें सुनकर सरपंच जी वहां से निकल जाते हैं। क्या लगा तुम बच के चले जाओगे? बोलो राकेश, आखिर मेरी क्या गलती थी? क्या किसी से प्यार करने की सजा इतनी बड़ी होती है? कोमल मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? प्यार का नाटक किया, झूठे सपने दिखाए, दिल तोड़ा और पूछते हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ क्या हुआ जानना चाहते हो तो सुनो। आखिर क्या हुआ होगा राकेश को, क्या गलती हुई होगी? आखिर राकेश बात क्यों नहीं कर रहा है? क्या उसको कोई नई लड़की? नहीं नहीं, राकेश ऐसा लड़का नहीं है। सरपंच जी, राकेश का फोन आया था क्या? अभी आया तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर में आ सकता है। तुम चाहो तो अंदर आ सकती हो, बारिश बहुत जोर से हो रही है। आ जाओ अंदर, आ जाओ। क्या हुआ सरपंच जी, इतनी रात को कौन आया है? कुछ नहीं रे, तू बस प्लग बना।
सरपंच जी, इस उम्र में लड़की का चक्कर, तुम्हारी तो बात ही कुछ अलग है भाई। लाइफ हो तो ऐसी, जबान संभाल के बात कर रामू, वो मेरे बेटे की दोस्त है। सरपंच जी, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे ऊपर ही गया है, पहले गांव में मजे किए, अब शहर गया है। मेरे बेटे को क्या कमी है, आजकल लड़कियां दिल नहीं, दिल के ऊपर के जेब को देखकर प्यार करती है। चल पैक बना। क्या पैक बना, बर्फ खत्म हो गई है, चलो मैं लेकर आता हूं। जब आनंद बर्फ लेने के लिए आया था तब उसने मुझे देखा, उसकी लाल लाल आंखें देखकर बहुत डर लगने लगा था। उसकी आंखें देखकर उसकी बेशर्मी दिख रही थी। वो बिना नजर हटाए मुझे ऊपर से नीचे घिनौनी नजर से देख रहा था। क्या लड़की, इतनी रात को ऐसा क्या काम है? जी मुझे राकेश से बात करनी है, उसका कॉल आने ही वाला है। तुम बस कॉल का ही इंतजार करो। मतलब मुझे सिर्फ राकेश से एक जरूरी बात करनी है बस। तुम्हारी जैसी लड़की कैसी होती है पता है मुझे, क्या तुम मेरे साथ? जबान संभाल के बात करो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। बदतमीज लड़की, मेरे पे हाथ उठाए, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ और तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। छोड़ दो मुझे, नहीं मैं तो सिर्फ मेरी बहन। ये क्या कर दिया आनंद तूने? चलो अच्छा हुआ बला टली। चलो जल्दी जल्दी से अभी बॉडी ठिकाने लगा दो, चलो। और इस तरह उस दरिंदों ने मुझे मार दिया। मुझे मदद करने की बजाय बोला कि अच्छा हुआ बला टली, किसी को भी नहीं लगा कि मेरी मदद करे। उन सबको लगा कि मैं मर गई, लेकिन मैं सिर्फ बेहोश थी। मुझे होश आने से पहले ही उन्होंने मुझे जला दिया। आखिर मेरी गलती क्या थी? लेकिन मुझसे क्या बात करनी थी? तुमने उसका दिल तोड़ा, उसे बहुत तकलीफ दी। मुझे तुम्हें एक आखिरी बार बताना था कि कोमल तुम्हारे इंतजार में मर गई है, बस इतना बताना था। कोमल मर चुकी है, तो तुम कौन हो? मैं कोमल की जुड़वा बहन हूँ रागिनी। क्या? मेरी बहन ने तुमसे प्यार किया था और तुमने उसका सिर्फ इस्तेमाल, इस सब मुसीबत की जड़ तुम ही हो राकेश। तुम्हें क्या लगा तुम बच के चले जाओगे? यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यू स्टोरीज आप सबसे पहले देख सके। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं @SkullTales।